हजारों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है खबर का। आपको बता दें कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है। कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, जहां एक ओर राहुल गांधी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे थे, तो आज कांग्रेस दिल्ली के राजघाट और सभी जिला मुख्यालयों में एक दिन का सत्याग्रह करेगी। बता दें कि राहुल गांधी को मोदी सरनेम के केस में 2 साल की सजा होने के बाद स्पीकर ने राहुल की संसद सदस्यता रद्द कर दी। वहीं कांग्रेस के सत्याग्रह के लिए राजघाट के पास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जग जाहिर है, राहुल गांधी जी की जो सदस्यता खत्म की है 24 घंटे के अंदर आनन फानन, ये आजाद भारत का और लोकतंत्र का पहला मामला है। बहुत लोग हुए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जिस सीक्वेंस में राहुल जी की सदस्यता ख़त्म की गई, वो 24 घंटे भी नहीं दिए गए, ये कानून के ख़िलाफ़ है। और इन सब बातों को लेकर के, लंबी बात नहीं है, लेकिन यही कहेंगे कि हम सत्याग्रह जो कर रहे हैं, जब सत्य पर आँच आती है तब सत्याग्रह होता है। वजह क्या है? भाजपा है, वजह तो भाजपा है ना, और कोई वजह नहीं है, भाजपा वजह है। राहुल गांधी जी की बढ़ती लोकप्रियता से भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द शुरू हुआ और ये सब सिस्टम में आकर के राहुल जी की सदस्यता ख़त्म की गई। सत्य का आग्रह ये कर रहे हैं कि देश का जो लोकतंत्र है ये खतरे में है, और लोकतंत्र को जिंदा रखना राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी की नैतिक जिम्मेवारी है। जब तक ये सत्याग्रह जारी रहेगा, जब तक लोकतंत्र पर हमले होते रहेंगे। लोकतंत्र पर हमले बंद होंगे, सत्याग्रह खत्म हो जाएगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक जुड़ेंगे। विवेक, देखा जाए तो लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है और आज सत्याग्रह कर रही है। राहुल गांधी की जो लोकसभा की जो सदस्यता है वो रद्द हो गई है, उससे लेकर कश्मीर से लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो है वो आज सत्याग्रह पे बैठे हैं। और दिल्ली में जो अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी राजघाट पे सत्याग्रह चल रही है, और लखनऊ में आज शहीद स्मारक पर बिनार खाबरी जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके नेतृत्व में तमाम कार्यकर्ता जो है वो सत्याग्रह पे बैठे हैं। मैं अपनी सहयोगी से कहूंगा कि सभी कार्यकर्ताओं को दिखाया गया कि इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के सभी बड़े पदाधिकारी जो है वो यहाँ पे एक सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं, और लगातार जो है वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक राहुल गांधी के साथ एक सुर नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं के पास राहुल गांधी की तस्वीर है, इसको लहरा रहे हैं और राहुल गांधी जिंदाबाद के लगातार नारे भी लगा रहे हैं। अगर बात की जाए मोदी मानहानि के प्रकार से 2 साल की सजा जो है वो रद्द कर गई थी। तमाम कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे भी मौजूद है। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से देखते हैं कार्रवाई को, राहुल गांधी की सत्ता जो है रद्द हो गई है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और अब धीरे धीरे जिस तरह से ये प्रयास किया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में विपक्षियों को डराने का, धमकाने का, उनको मिटाने का, तो देखिए देश बेचने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे, देश को गुलामी की राह पर ले जाने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। जिन्होंने देश की आजादी में अंग्रेजों का साथ दिया है वो आज हमको ज्ञान देने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी हो, चाहे उनके पहले स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी हो, राजीव गांधी जी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, इन सब लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी है। तो राहुल गांधी जी आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सच बनाम झूठ की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश बेचने वालों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, देश बचाने वालों की तरफ लड़ रहे हैं। तो हम सब लोग देश बचाने वाले की तरफ से, देश को गुलामी की राह पर न ले जाने वालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, और लड़ाई हम जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे, इनको बता देंगे हम लोग। संसद में लगातार राहुल गांधी सवाल उठा रहे थे, मोडानी का मामला आपने उठाया था, इसके बाद से ये कार्रवाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी जेपीसी की मांग कर रहे थे, मोडानी की मांग करते उसके बाद से ये कार्रवाई हुई है। बिल्कुल, राहुल गांधी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से निवेदन किया कि भाई अडानी जी के पास जो 30,000 करोड़ रुपया था वो रुपया कितना इतना बता दो, लेकिन अब उससे फोन खुल जाएगी, रुपया अल्टीमेटली तो चौकीदार का ही है,
सब कुछ अलग खेल चौकीदार का है। अगर हमारा देश आज खोखला हुआ है, LIC लुट गई है, ये सब जो बेचने की बात चल रही है, तेल बेच दिया, तेल बेच दिया, क्या चल रहा था, ये एक सत्ता की आड़ में देश को दोबारा गुलामी की राह पर ले जाने के लिए प्रक्रिया चल रही थी। राहुल गांधी जी ने एक सच्चा देशभक्त होने के नाते इसका विरोध किया, तो आज उस विरोध को कुचलने के लिए जो ये घटिया प्रयास किया गया, जो हल्का प्रयास किया गया, जिसको विरोधी बेल्ट कहा जाता है, तो उससे कामयाब तो होने वाले नहीं है। इनको पराजय का मुख देखना पड़ेगा। जितने दिन चल पा रही है चल जाएगी, 2024 में भी अपने घर राहुल बैठ जाएंगे। वायनाड की सीट से क्या प्रियंका गांधी मैदान में उतर सकती है? अरे राहुल गांधी जी को न्याय मिलेगा भाई, अभी जल्दी हार मत मानिए, आप लोग भी हार मत मानिए, राहुल गांधी जी को न्याय मिलेगा और 2024 में कांग्रेस पार्टी की बहुमत से सरकार इस देश में बनने जा रही है, कोई माइका लाल रुक नहीं पा रहा है। इस प्रकार से देख सकते हैं आपकी जो प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को न्याय मिलेगा 2024 में, जो है वो कांग्रेस की सत्ता जो है वो देश में आएगी और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो सत्ता से बेदखल हो जाएगी। हमारे साथ प्रदेश सत्य विशाल खाबरी भी जुड़े हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर किस प्रकार से देख रहे हैं, जिस प्रकार से सदस्यता रद्द करने का जो फैसला है उसका, कोर्ट का फैसले का मैं स्वागत करता हूँ, कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है, लेकिन जो तरीका अपनाया गया है, जजमेंट की कॉपी पार्लियामेंट 24 घंटे के अंदर पहुंच जाती है, आयोग के पास 24 घंटे के अंदर कॉपी पहुंच जाती है जजमेंट की, और जो आनंद फानंद सरकार ने निर्णय लिया है, सदस्यता रद्द करने का आदेश कोर्ट का नहीं था, सजा का कोर्ट का था, लेकिन जो सरकार ने निर्णय लिया है ये निर्णय दोषपूर्ण है, इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं सत्य की। आज सत्याग्रह इस बात को लेकर के है कि सत्य को आज खतरा है और खतरे को टाल रहे हैं हम सत्याग्रह करके। सत्याग्रह आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक सत्य जीत नहीं जाता। आपके जो नेता है वो राजघाट पे जो है बैठे हुए हैं, राजघाट पे सत्याग्रह चल रहा है, आप यहाँ पे सत्याग्रह कर रहे हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक आवाज आ रही है राहुल गांधी के समर्थन में, लगातार आपका कहना है कि बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी डरी हुई है, अगला मूवमेंट आपका क्या होगा? बिल्कुल सही बात है, आदरणीय राहुल गांधी जी की जो लोकप्रियता है देश तो देश विश्व में, उससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घबराई हुई है, और इसी का कारण है कि आनंद फानंद में फैसला लिया गया कि राहुल गांधी जी की आवाज बंद करें, क्योंकि राहुल गांधी जी देश के उन तमाम गरीब मजलूम जो महंगाई बेरोजगारी और अन्य अत्याचार से जूझ रहे थे उनकी आवाज बन चुके थे। उनका दोष क्या था? केवल यही दोष था कि उन्होंने पार्लियामेंट में ये पूछ लिया कि अडानी जी के संबंध, मोदी जी के संबंध क्या है। अडानी जी 8 साल पहले गिनती के 3 नंबर पे थे, 8 साल में गिनती के 98 नंबर पे कैसे पहुंचे, यही तो पूछ लिया राहुल जी ने कि जो 20,00,000 करोड़ उनके पास, अडानी जी के पास पैसा है वो कहां से आया है, तो इतना बताने में क्या बुराई थी, ये देश की जनता जानना चाहती है। जब ये बात पार्लियामेंट में उठानी शुरू की तो भारतीय जनता पार्टी कटघरे में खड़ी हो गई, और ये आनंद फानंद निर्णय पुराने मुकदमे में करा करके उनकी आवाज को बंद करना चाहा। देश का बच्चा बच्चा राहुल गांधी जी की आवाज है, देश का बच्चा बच्चा राहुल गांधी जी के साथ है, अब जब राहुल गांधी जी देश की आवाज बन गए हैं तो दबाने वाला कोई नहीं है, सत्य हमेशा जीता है, परेशान जरूर हो गए। जिस प्रकार से आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, राहुल गांधी के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं, इसके बाद अगर देखा जाए तो लगातार जो है दिल्ली अगर बात की जाए, कश्मीर से कन्याकुमारी से कांग्रेस के पार्टी कार्यकर्ता एक हो रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि देश के बाहर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उन्होंने ऐसे बयान दिए जिससे देश की छवि धूमिल हुई, लगातार आरोप लगाया जा रहा है राहुल गांधी पर। देश की इज्जत और सम्मान उस समय खत्म नहीं हुआ था जब वो ना घूम घूम कर कह रहे हैं, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भारत में जन्मा हूँ, भारत कोई देश रहने लायक है, तब देश की इज्जत बेइज्जत नहीं हुई। आज अगर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने राहुल जी को बुला करके लेक्चर दिलवाया है तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि हमारे यहाँ जो भी आता है वो पढ़ा लिखा लो,
पढ़े लोगों लिखे लोगों को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बुला करके लेक्चर कराती है, तो उसमें राहुल जी का क्या दोष था? राहुल जी गए, उन्होंने पढ़े लिखे होने के नाते अपनी बात को रखा। अब किसके पक्ष में है, किसके विपक्ष में है, ये आप सब जानते हैं। इससे किसी भी तरीके से देश की बेइज्जती नहीं हुई है, उन्होंने अपनी बात को रखा है। बात तो यहाँ खड़ी होती है, जब ये पूछ लिया जाता पार्लियामेंट में कि ये 20,00,000 करोड़ रुपए ये कहाँ से आए, इसको बताए, जनता जानना चाहती है। तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार कटघरे में खड़ी होती नजर आई, तो आनंद फानंद राहुल जी का सदस्यता रद्द की गई, जिससे ये दोबारा पार्लियामेंट में ये क्वेश्चन ना पूछ सके। अब देश पूछ रहा है कि अडानी जी, जो पैसा तुम्हारे पास आया है वो किसका है, बता दो। सरकार क्या कह रहा है कि पूर्व के इस मामले में उसका कोई हस्तक्षेप नहीं है, सूरत हाईकोर्ट का फैसला है, उसका सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। कोर्ट पर कोई उंगली नहीं उठा रहा, कोर्ट के आदेश को कांग्रेस के साथ साथ पूरा देश मान रहा है। लेकिन जिस प्रक्रिया के तहत ये फैसला हुआ है, ये दोस्तों 24 घंटे के अंदर क्या पार्लियामेंट किसी सदस्य की सदस्यता खत्म कर सकता है? अगर किया है तो ये पहला इंसिडेंट है, पहला घटना है, देश की आजाद देश की पहली घटना है। बहुत सदस्यों की सदस्यता गई है, लेकिन एक टाइम पीरियड मिला है। राहुल जी को 24 घंटे के अंदर डिस्क्वालिफाइड करना, ये सवालों के घेरे में। तो आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही ताकि राहुल गांधी को आम चुनाव रोकने से लड़ने से रोकना है? 1000% भारतीय जनता पार्टी की साजिश है राहुल जी की आवाज को दबाने के लिए। और राहुल गांधी जी की आवाज ना दबी है ना कभी दबेगी, ये सत्य का रास्ता। तो ये थे हमारे साथ बिजलार खाबरे जी, जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जो सरकार है, जो सत्ता है, वो तानाशाह हो चुकी है और विपक्ष की आवाज दबाने की साजिश कर रही है। 24 घंटे के भी कम समय में जो है वो सदस्यता रद्द की जाती है, एक ऐसा पहला मामला है। और इस प्रकार से वो आवाज दबाने की कोशिश कर रही है हमारे नेता की, राहुल गांधी की। लेकिन आने वाले समय में उनको न्याय मिलेगा और 2024 का जो आम चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, उसमें कांग्रेस है वो फिर से वापसी करेगी और भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब भी देगी। जी विवेक, बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार देखिए कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है जी राज्य अलग अलग जगहों पर लगातार। देखिए कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने कहा कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं राहुल गांधी हूं, मैं किसी भी कीमत पर माफी नहीं मांगूंगा। और आज प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राहुल गांधी जो है वो देश की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, लगातार कांग्रेस पार्टी और उनके कार्यकर्ता जो बड़े पदाधिकारी हैं, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर प्रियंका गांधी हो या फिर अनेक प्रदेशों के जो प्रदेश अध्यक्ष हो, लगातार वो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर जगह पे जहां जहां भी कांग्रेस की सत्ता है और जहां कांग्रेस की सत्ता नहीं भी है, वो राहुल गांधी के समर्थन में उतारा है। आज लखनऊ में शहीद स्मारक पर एक सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं। तमाम चीजें हम आपको दिखा सकते हैं कि कितने जो है कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ताओं से लेके सभी लोग यहाँ पे एकजुट हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में एकजुट हुए हैं। प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे भी यहाँ पे हैं और लगातार यही मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार से विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, राहुल गांधी की आवाज दबाई जा रही है, और ये कार्रवाई सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि उन्होंने संसद में जेपीसी की गठन करने की मांग की थी, उन्होंने मोदी और अडानी की बात कही थी, दोनों के रिश्ते की बात कही थी। साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी लगातार जो है, जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है अडानी को लेकर, वो कांग्रेस की पार्टी हमलावर है, मोदी और अडानी के संबंध पर हमलावर है। राहुल गांधी ने बकायदा सदन में तस्वीरें दिखाई थी, कई मुद्दे उठाए थे और ये भी कहा था कि जिन जिन विदेशी दौरों पर प्रधानमंत्री गए हैं, वहां वहां उन विदेशी दौरों से निवेश का रास्ता अडानी के लिए खुल गया है। इसके बाद से लगातार जेपीसी की मांग को लेकर सदन की कार्यवाही कई बार टली, लगातार 3-4 बार लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया, इससे लोकसभा की कार्यवाही भी बाधित हुई। उसके बाद जिस तरीके से केंद्रीय विश्वविद्यालय वो गए, उन्होंने वहां पर भाषण दिया, उस भाषण को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार विरोध करने लगी कि देश की छवि को
बदनाम करने की साजिश है। इसके बाद सदन में दोफाड़ होने लगे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से कांग्रेस जहां जेपीसी की मांग की गठन को लेकर अड़ी रही, तो वही भारतीय जनता पार्टी इस मांग को लेकर अड़ी है कि राहुल गांधी ने जो बयान विदेशों में दिए हैं उससे देश की छवि जो है वो धूमिल हुई है। उनको संसद में आके सभी से माफी मांगना चाहिए, देश से माफी मांगना चाहिए। इसके बाद 4 साल पुराने मामले में सूरत कोर्ट द्वारा मानहानि के एक मामले जो मोदी सरने पर एक बयान उन्होंने दिया था और उनको 2 साल की सजा हुई है और 24 घंटे के इधर उनको नोटिफिकेशन दे दिया गया है कि उनकी सदन की सदस्यता जो है वो रद्द हो गई है। उसके बाद कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कांग्रेस लगातार जो है अपने नेता के समर्थन में उतर गई है। अगर बात करें दिल्ली की तो वहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ प्रियंका गांधी जो राष्ट्रीय महासचिव है वहाँ पे सत्याग्रह कर रही है। शांतिपूर्ण तरीके से वो सत्याग्रह कर रही है और गांधी का मार्ग उन्होंने अपनाया है। प्रदर्शन करने के लिए सत्याग्रह का मार्ग अपनाया है, गांधी का मार्ग अपनाया है। यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बिल्लाल छाबड़ी कह रहे हैं कि हम यहाँ बैठे रहेंगे और तब तक बैठे रहेंगे जब तक प्रक्रिया जो है न्याय की वो पूरी नहीं हो जाती। प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे का कहना है कि वायनाड की सीट से कोई भी प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी नहीं उतारेगी क्योंकि हमने जो है मामला उच्चतम न्यायालय तक रखा है और राहुल गांधी को वहां से न्याय मिलेगा और दोबारा जो है वो चुनाव भी लड़ेंगे। 2024 में कांग्रेस की पार्टी दोबारा सत्ता में आएगी और भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पूरे देश भर में राहुल गांधी का समर्थक कांग्रेस की पार्टी कर रही है, सड़कों पर उतर गई है। कल भी राजभवन चौराहे पर जो है वो कांग्रेस की पार्टी के कार्यकर्ता और बिल्लाल छाबड़ी ने एक जीपीओ पर एक प्रदर्शन करना चाहा था जिसकी अनुमति उनको नहीं दी गई थी। तमाम तरह की चीजें थी और लगातार रोज जो है कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर रही है अपने नेता को लेकर। हम दिखा सकते हैं किस प्रकार से राहुल गांधी की तस्वीरें लेके इनके कार्यकर्ता जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने नेता के साथ खड़े आ रहे हैं। और साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जिस प्रकार से सरकारी मशीनरों का दुरुपयोग कर रही है केंद्र की सरकार, मोदी की सरकार, यहाँ आप लोगों से हम बातचीत कर सकते हैं। देखिए कितनी महिला कार्यकर्ताएं हैं, यहाँ हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप जो है तस्वीर लेके जो है राहुल गांधी की तस्वीर लेके आप यहाँ प्रदर्शन कर रही हैं, आपके नेता की सदस्यता रद्द कर दी गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पे? देखिए सदस्यता रद्द करने से आवाज नहीं दबा सकते, सदस्यता रद्द करी है उन्होंने एक व्यक्ति की। यहाँ देश का बच्चा बच्चा राहुल गांधी है और उनको उनका रिश्ता बताना पड़ेगा। 20 लाख करोड़ किसका है वो भी बताना पड़ेगा और रिश्ता क्या कहलाता है ये भी बताना पड़ेगा। अगर सदस्यता रद्द कर दी है इसका मतलब लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, लेकिन हत्या उनको अब जो है देश के एक एक व्यक्ति की करनी पड़ेगी। देखते हैं कितनी तानाशाही की सरकार है, कहते हैं दम है कितना दमन में दे रहे, देख लिया है देखेंगे। और ये सत्याग्रह इस बात का सबूत है कि जो सत्ता में सरकार बैठी है चोर लुटेरे बैठे हैं सत्ता में और कितना डरे हुए हैं, क्योंकि गांधी की विचारधारा कोई मामूली नहीं है जिस पर चला जा सके। और गांधी की विचारधारा से देश चलता है और कांग्रेस पार्टी चलती है, तो उनको ये देखना है, समझना है, जो भी तानाशाही करेगा उसका जवाब उनको देना। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि तमाम जो है वो कांग्रेस की पार्टी के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कार्यकर्ता अपने नेता के समर्थन में उतर गए हैं, आप भी यहाँ से इस मार्ग पे अपने नेता के समर्थन में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए आज राहुल जी केवल एक पार्टी के नेता या व्यक्ति नहीं रहे, वो एक ऐसा व्यक्ति थे जिसे पूरी दुनिया, पूरा देश, विदेश, हर जगह का व्यक्ति जान रहा है। राहुल गांधी जी की बड़ी थी, उन्होंने लाखों करोड़ रुपए उनकी छवि बिगाड़ने में लगा दी। वो छवि जो उन्होंने बिगाड़नी चाहिए, आज राहुल जी उनके विपक्ष के रूप में एक ऐसे नेता जो हर जगह दिख रहा है, उस उनकी प्रसिद्धि से घबरा कर बौखलाहट में ये भाजपा सरकार आज उनको दबाना चाहती, उनकी आवाज को दबाना चाहती। राहुल गांधी सत्ता की रही है, उन्होंने सत्ता के मार्ग पर चल अहिंसा का पाठ पढ़ाया है, देश प्रेम का पाठ पढ़ाया है, जो ये वर्तमान पार्टी देश को छोड़ रही है। बलात्कारियों की पार्टी है, गुंडे मवालियों की पार्टी है, देश को बेच रही है, पूंजीपतियों की सरकार, उसमें उन्होंने सवाल उठाए, उस सवाल के जवाब ना देना पड़े इसलिए उन्हें संसद आने से रोका गया। पहले उन्हें संसद से उनके भाषण को काट के हटाया गया, उनके सवालों को काट के हटाया, वो जब ना कर सके उसके बाद उन्होंने जब बात मोदों पे शुरू कर दी, अब वो बात हर गली, हर सड़क, हर मोहल्ले, गांव, बच्चा बच्चा राहुल जी की बात को जान रहा है, उन्हें समझ रहा है। ये मोदी जी के जो उनका कार्य है, जो उनका
वर्तमान सहेली है तानाशाही, उसके खिलाफ जनतंत्र आज इकट्ठा हो रहा है। जनतंत्र की हत्या होने नहीं दी जाएगी, लोकतंत्र को मरने नहीं दिया जाएगा। हम सत्यवादी सत्याग्रह करके सत्य के मार्ग पे चल के अपने देश को बचाएंगे। आज ये देश पे, आज केवल राहुल गांधी पे नहीं ये समस्या, आज ये पूरे देश की समस्या है। जिस हिसाब से उन्होंने पहले और लोगों पे किया, पहले छोटे छोटे पे होता था, गली में आवाज को दबाई जाती थी, मोहल्ले पे आवाज दबाई जाती थी, केवल एक मुस्लिम के नाम पे, हिंदू के नाम पे देश को भड़काया जाता था। आज उन्होंने पूरा विपक्ष खत्म करने की कोशिश की है। ये विपक्ष आज एक होके उनको जी तोड़, मतलब मुंह तोड़ जवाब देगा, जिसका आने वाला समय बताएगा। अब ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है, ये इसका जवाब हम मोदी जी को देके रहेंगे। इस प्रकार से देख रहे हैं कि कार्यकर्ता जो है लगातार पोस्टर लेके आए हैं, पोस्टरों में लिखा हुआ है कि जब से भाजपा आई है महंगाई देश है, और लगातार जो है कार्यकर्ता कांग्रेस के अपने नेता के समर्थन में जुटे हुए हैं और केंद्र सरकार का लगातार इस प्रदर्शन से विरोध कर रहे हैं। और हम और भी लोगों से जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से लोग यहां पे बैठे हुए हैं अपने नेता के समर्थन में, लगातार मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, तमाम तरह की चीजें हम अब देखने को मिल सकती है। हमारे साथ रफत फातिमा भी जुड़ गई है, प्रवक्ता है कांग्रेस की, उनसे जानना चाहेंगे आप लोगों ने आज सत्याग्रह करने की ठानी है, किस प्रकार से आप देखते हैं लड़ाई को? देखिए, जिस तरीके से देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, हर संस्थाओं पे जिस तरीके से केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है उसका, तो आज हम उसके खिलाफ जो राहुल जी की जो है अलोकतांत्रिक तरीके से सदस्यता को रद्द किया गया, उसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ पे सत्याग्रह कर रहे हैं। और ये लड़ाई सत्य की लड़ाई है जो लगातार चलती रहेगी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता जो है अपने नेता के समर्थन में जुट गए हैं, लगातार अपनी बात जो उठा रहे हैं। और आप लोगों ने भी कई बार ये कहा है कि लोकतंत्र की हत्या ये सरकार कर रही है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। क्या आपको लगता है कि मोडानी पे बात करने की वजह से मोदी सरकार जिस तरीके से अपने पूंजीपति मित्रों को बचा रही है, जिस तरीके से राहुल जी लगातार अडानी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उसके उस चीजों को ये कहीं ना कहीं उनको संरक्षण दे रही है, और राहुल जी के खिलाफ इस तरीके की प्रताड़ना हो रही है। आज जिस तरीके से देश में जो है जनता की आवाज राहुल जी बने हुए हैं, ये घबराए हुए हैं, ये डरे हुए हैं, और इनकी विचारधारा के खिलाफ अगर कोई लड़ रहा है तो सिर्फ हमारा नेता राहुल जी लड़ रहा है। तो ये देश की जो है बहुत ही खतरनाक स्थिति में देश है, जिस तरीके से ये हालात पैदा करे जा रहे हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी काफी सराहना भी मिली थी कई लोगों से भारत जोड़ो यात्रा की, ऐसा कहा जा रहा था कि इनके व्यक्तित्व में निखार भी आया है। उसके बाद से सदन में जब वो गए तो लगातार अडानी की बात की, हिडबर रिपोर्ट की बात की, उसके बाद ये कार्रवाई आ रही है, तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि लोकप्रियता से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। जाहिर सी बात है, आप इसको तो नकार नहीं सकते, भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल जी की जो जनता ने में स्वीकारता हुई है, इससे मोदी सरकार डरी हुई है। उनको ये सब चीजें करके जो ये अपने जो साम दाम दंड भेद अपना रहे हैं राहुल जी के खिलाफ, ये उसी का नतीजा है। जो ये घबराए हुए हैं और डरी हुई सरकार, सब लोग डरने वाले नहीं है, ये तानाशाही ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। आपकी पार्टी के जो बड़े नेता हैं प्रियंका गांधी है, वो राजघाट पे सत्याग्रह कर रही है, उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे है, पार्टी के तमाम बड़े नेता भी है। कल राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं सही सवाल पूछ रहा हूं। उसके बाद अलग अलग जगहों पे जो है कार्यकर्ता जो पदाधिकारी जो है उनके समर्थन में नजर आए, तो कब तक ये सत्याग्रह आंदोलन चलेगा? देखिए, जब तक जिस तरीके से जो हालात पैदा करे जा रहे हैं उसके खिलाफ लगातार राहुल जी डटे हुए हैं, वो बार बार यही कह रहे हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, ये सत्य की आवाज है और ये जनता की आवाज है जो मैं उठाता रहूंगा, इसके लिए मुझे चाहे जो भी जो है सजा मिले। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता है रफत फातिमा, उनका सीधे तौर पर कहना है कि सरकार जो है वो लोकतंत्र की हत्या कर रही है। हमारे नेता सदन में लगातार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।